नमस्कार दर्शकों, मैं ऋतु तोमर बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी खास पेशकश में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गोवर्धन को लेकर। जी हाँ, गोवर्धन पूजा, दिवाली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा का अपने आप में एक खास महत्व है। वो क्यों है ये हम आपको बताएंगे, और इस दिन कैसे पूजन किया जाता है और क्या खास महत्व होता है, किस तरीके से ये हमें लाभान्वित करता है, किस तरीके से हम इसका लाभ उठा सकते हैं, ये भी हम आपको जानकारी देंगे। कौन सा शुभ मुहूर्त होगा ये भी हम आपको बताएंगे, तो जुड़ी रहिए हमारे साथ। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ज्योतिर्विद अरविंद तिवारी जी। तो चलिए स्वागत करते हैं उनका। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में आचार्य जी। नमस्कार, जय माता दी। आचार्य जी, गोवर्धन पूजा को लेकर बचपन से एक कहानी हम सुनते आ रहे हैं भगवान कृष्ण की, लेकिन गोवर्धन पूजा के बारे में ज़्यादा जानकारी फिर भी लोगों के पास में नहीं है। हाँ, लोगों को ये तो पता है कि हाँ, दिवाली के अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, लोग पूरी तरह से उसको मनाते भी हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उतना ज्ञान या उतनी नॉलेज वो लोग नहीं रखते। तो सबसे जो पहला सवाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गोवर्धन का महत्व क्या है, इस पूजा का महत्व क्या है, दिवाली के अगले दिन ही क्यों इसकी पूजा की जाती है, किस तरीके से हमारे इतिहास से, हमारी परंपरा से जुड़ा हुआ है। जी दर्शकों, गोवर्धन पूजा पूजन जो है दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है। दरअसल भगवान कृष्ण हमारे जीवन में हमारे तमाम ऐसे विपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली से उठा करके इंद्रदेव से हमारी रक्षा की थी। बारिश हो रही थी और मूसलाधार बारिश कई दिनों से लगातार चल रही थी, जिसके कारण से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, और उस परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका उंगली में उठा करके धारण करके हमारी रक्षा की। ठीक, हम अपने जीवन, अपने परिवार, अपने समृद्धि और अन्नपूर्णा माता की रक्षा के लिए इसे अन्नकूट त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। यानी कि भारत देश के अंदर जो किसानों का फसल है वो कार्तिक मास में कटना शुरू हो जाता है, नए फसल की जो आय है वो इस दिन से ही कह सकते हैं कि स्टार्ट होता है। और गोवर्धन पूजा जो हम करते हैं, गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं, षोडश उपचार पूजन वहाँ करते हैं, धूप दीप नैवेद्य और दीपक इत्यादि जला के भगवान कृष्ण की प्रार्थना पूजन करते हैं, गोवर्धन पर्वत की पूजन करते हैं। दीपावली के अगले दिन ये पूजन संपन्न होता है। गोवर्धन पूजन का एक त्यौहार मनाया जाता है, और साथ ही साथ इस दिन हम अन्नकूट का भी त्यौहार मनाते हैं। गाय के गोबर के माध्यम से गोवर्धन पर्वत को बनाते हैं, और बनाने के बाद वहाँ पर हम 16 प्रकार से गोवर्धन पर्वत की और भगवान कृष्ण की विधिवत पूजन करते हैं। और जब हम ये पूजन करते हैं, दीप प्रज्वलित कर देते हैं, तो उसके माध्यम से भगवान कृष्ण की कृपा हमारे जीवन में बनी रहती है। क्योंकि हम लक्ष्मी की जब स्थापना करते हैं, लक्ष्मी हमारे जीवन में, हम एक कल्पना करते हैं कि वो स्थापित रहें, विराजमान रहें हमारे पास। तो जब तक भगवान कृष्ण को, क्योंकि भगवान कृष्ण ही संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा के अवतार में अवतरित हुए थे, तो इसलिए भगवान कृष्ण को जब हम स्थापित कर देते हैं तो लक्ष्मी माता सदैव हमारे घर में निवास करती रहती हैं। प्रयोजन कहीं ना कहीं पंचदिवसीय जो कार्यक्रम होता है दीपावली का, उस दीपावली के अगले दिन ही इस त्यौहार को मनाया जाता है। और इस त्यौहार को मनाने का एक प्रयोजन यही है कि माता लक्ष्मी को हम भगवान विष्णु से अलग नहीं कर सकते हैं, उन्हें दोनों को ही हमें अपने पास प्रतिष्ठित करना होता है। और जब हम गोवर्धन पूजन को, गोवर्धन त्यौहार को हम जब पूरी तरीके से हम वैदिक पद्धति से इसे संपन्न करते हैं, तभी माता लक्ष्मी की पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। इसीलिए गोवर्धन त्यौहार को हम मनाते हैं, और ये हमारा गोवर्धन त्यौहार मनाने का जो परम्परा है ये सदियों से, द्वापर त्रेता युग से ये चला आ रहा है, और तभी से हम इसका एक तरह से अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं। और यही एक पूर्णता विधि को पूर्ण करता है। हम कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यानी पूर्ण फल की प्राप्ति बिना गोवर्धन पूजन के असंभव है, इम्पॉसिबल है। जी
बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी आपने यहाँ पर आचार्य जी दी है। तो दर्शकों, आपने जाना कि गोवर्धन पूजा का क्या महत्व है, तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमें पूजन करना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। आचार्य जी, गोवर्धन पूजन यूँ तो गोबर से होती है और कहीं ना कहीं गोबर को हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं। पहले जब हम चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो हम उपले के रूप में गोबर का यूज़ करते हैं। क्या हम इस चीज़ को गोवर्धन से जोड़कर देख सकते हैं? क्योंकि अगर कहानी का हम उद्देश्य देखें तो कहानी में गोवर्धन पर्वत है, लेकिन यहाँ पर हम गोवर्धन के रूप में गोबर को यूज़ करते हैं जिसको शायद सबसे ज़्यादा शुद्ध और शुभ भी माना जाता है। किस लिए हम इसका यूज़ करते हैं, किस तरीके से पूजा करनी है? जी दर्शकों, हम गोवर्धन यानी गोबर प्लस धन यानी गोबर के माध्यम से धन की पूजन और गोबर गौ माता से प्राप्त होती है, तो यानी गऊ की सेवा, गऊ की पूजन करना, गाय की पूजन करना इस दिन सर्वोपरि महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान कृष्ण गायों से प्रेम करते थे और वो जितनी गायों की सेवा करते थे वो दरअसल सभी देवियाँ थीं। सभी देवियाँ गाय के रूप में भगवान कृष्ण के सानिध्य रहती थी, सानिध्यता प्राप्त करती थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ही संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा थे। कामधेनु गाय गायों में भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप धारण किया तो बताया कि मैं गायों में कामधेनु गाय हूँ, यानी कामधेनु गाय ही इस संपूर्ण चराचर जगत का पालनकर्ता मानी जाती हैं। उनके अंदर, हमारे जीवन के अंदर त्रिविध तापों को हरने की एक शक्ति थी, मनसा वाचा कर्मणा, शारीरिक मानसिक जो भी कठिनाइयाँ हमारे जीवन में आती हैं, हम उस गौ माता के माध्यम से हमारे उन कष्टों का निराकरण हो जाता है। पंचगव्य पीने से ब्रह्म दोष का निवारण हो जाता है, यानी गाय के दूध, घी, दही, गोमूत्र और गोबर, इन पांचों चीज़ों को जब आप मिश्रण कर देते हैं और ब्रह्म पातक दोष जो होता है, ब्रह्म हत्यारा, ब्रह्म हत्या का जो दोष होता है, ऐसे महापापों से भी वो हमें मुक्त करने की एक अमृत कह सकते हैं गाय से प्राप्त होती है। यानी गौ माता के गोबर का प्रयोजन ये है कि गोबर इस धरती के अंदर सर्वोपरि उर्वरक शक्ति है, ताकत है, उस ताकत के माध्यम से हम गोवर्धन पर्वत का निर्माण करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजन करते हैं और गौ माता की पूजन करते हैं, और साथ ही साथ अन्नकूट यानी अन्नपूर्णा का पूजन किया जाता है। अन्नपूर्णा पूजन का प्रयोजन ये है कि जो पहला इस धरती से अन्न प्राप्त होता है उस अन्न को भी हम उस जगह पर स्थापित करते हैं और पूजन करते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे जीवन के अंदर बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है, गौ माता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गौ माता के अंदर ही सभी प्रकार के कष्टों के निवारण करने का एक ताकत विराजमान होता है, तो इसलिए हम गौ माता की सेवा करते हैं। दीपावली कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को होता है और उसके अगले दिन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के अंदर हम गोवर्धन त्यौहार को मनाते हैं, और ये यदि सभी इसके पहलुओं को आप मद्देनज़र रख करके सोचेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है जीवन का, या एक जो व्यापारिक व्यवस्था है उस व्यापारिक व्यवस्था के अंदर साल का पहला दिन माना जाता है, यानी दीपावली के अगले दिन से हमारा एक साल प्रारंभ होता है, नए साल की एक शुभारम्भ कह सकते हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से उसे, तो वो हमारा एक महत्वपूर्ण समय होता है। और जब उस दिन हम ये सारे विधियों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और सहर्ष प्रेम पूर्वक जब इसे हम संपन्न करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन होता है वो मंगलमय होता है, समृद्धशाली होता है और सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण हो जाता है। यानी धन की प्राप्ति तो हो लेकिन धन के साथ कोई कष्ट ना हो, ताकि उस धन का आप उपभोग कर पाएँ, उस धन का हर्ष उल्लासपूर्वक आनंद ले पाएं। यदि धन है और आप उसका आनंद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं तो ऐसे धन का भी जीवन में सदुपयोगिता नहीं रह जाता है, तो सदुपयोग करने के लिए हमें गोवर्धन त्यौहार का, गोवर्धन पर्व का जो महत्वपूर्ण पहलू है, हमें सभी पहलुओं को महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाना चाहिए। और जब हम मनाते हैं, उसे संपूर्ण करते हैं, उस एक यज्ञ को, अनुष्ठान को, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, हमारे जीवन के अंदर सभी प्रकार के पापों का विनाश हो जाता है, सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, और इसीलिए ये हमारे जीवन में
विशेष महत्वपूर्ण बनता है। बिल्कुल, गोवर्धन के दिन हम कहीं ना कहीं पर अपने धन धान्य की अन्नपूर्णा देवी की पूजा करते हैं। दर्शकों, धन सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं चाहता कि उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी हो, क्योंकि हम धन कमा तो लेंगे लेकिन क्या हम उसे खा सकते हैं। अंततः महत्व तो भोजन का है, खाने का है, उस प्लेट का है जो आपके सामने डेली जब आप खाना खाते हैं रखी होती है, वो हमेशा भरी रहे, आपके घर में हमेशा भोजन की पूरी व्यवस्था हो, उसकी पूजा हमें पहले करनी चाहिए। और इसी के लिए गोवर्धन की पूजा भी की जाती है ताकि आपके घर में कभी ऐसी कोई कमी ना हो। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही आप ध्यान रखें कि पूजा कैसे करनी है, कौन से शुभ मुहूर्त में करनी है, क्या तरीके आपको अपनाने हैं कि आपके घर में भी हमेशा सुख शांति धन धान्य बना रहे। दर्शकों, एक बात और, इस कहानी के जरिए गोवर्धन जो दिन है, इस कहानी के जरिए कहीं ना कहीं हमें ये भी सीख मिलती है कि भगवान की, सभी देवी देवताओं की पूजा आप ज़रूर करें, लेकिन उन चीज़ों की पूजा, उन चीज़ों के महत्व को आप ना भूलें जो आपको यहाँ पर सांस देती है, आपको हवा देती है, आपको पानी देती है, आपको भोजन देती है। आचार्य जी, अगर गोवर्धन की कहानी की हम बात कहें तो भगवान कृष्ण की जो कहानी है वो भगवान इंद्र से, देव इंद्र से जुड़ी हुई है। देव इंद्र की को उसमें ये चीज़ बताई गई है कि जितना यहाँ पर महत्व भगवान का है, देवी देवताओं का है, उतना ही महत्व उन चीजों का भी है जो हमारी धरती पर हमारे लिए उपलब्ध है, भले ही वो पेड़ पौधे हो, हवा हो, पानी हो। तो ये जो कहानी है, इसके जरिए ही कृष्ण भगवान ने कहीं ना कहीं हमें एक प्रेरणा देने की या एक कहीं ना कहीं ज्ञान देने की कोशिश की है कि हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनका महत्व समझना चाहिए जो हमारी धरती पर उपलब्ध है, उसके बाद हम किसी दिव्य शक्ति की पूजा करें। जी दर्शकों, भगवान कृष्ण का जो हमारे जीवन में एक संबंध बनता है, दरअसल भगवान कृष्ण संपूर्ण परब्रह्म परमात्मा, संपूर्ण अंशों के साथ वो अवतार लिए थे और उन्होंने हमें प्रकृति से जोड़ने की तमाम ऐसी महत्वाकांक्षाएं जो ज्ञान होती है, उन ज्ञानों को हम तक पहुंचाया, हमें बताया है वेदों में, श्रीमद् भगवद गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में। भगवान कृष्ण के द्वारा बताई गई जो मार्ग हैं, उन मार्गों में चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो ना तो कभी किसी बीमारी से बाधित होते हैं, ना ही कभी उनके जीवन में किसी तरह कोई कष्ट आता है, क्योंकि उन्होंने धर्म में चल करके अपने जीवन को अनुसरण करने का, एक सही मार्ग में चलने का एक जो मार्ग उन्होंने बताया। अब उस मार्ग में चलने के लिए दरअसल गोवर्धन जो त्यौहार है, इस त्यौहार के अंदर हमें अपने जीवन को संकल्पित करना होता है। हम एक संकल्प लेते हैं, माता अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहे, क्योंकि जब तक आप कृषि के माध्यम से, जब तक आपको अन्न नहीं मिलेगा, आपके पास बहुत धन धान्य परिपूर्ण है लेकिन यदि अन्न नहीं है तो आपका जीवन सफल नहीं हो सकता है, धन से पूरी नहीं होती है। तो इसीलिए इस गोवर्धन जो त्यौहार है, इस गोवर्धन त्यौहार में अन्नपूर्णा की जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, अन्नपूर्णा की जो पूजन होती है, अन्नपूर्णा का पूजन का प्रयोजन यही होता है कि जो हम अन्न खाते हैं वो बिल्कुल सकारात्मक अन्न हमें प्राप्त हो। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, यानी मन की शुद्धिकरण के लिए हम यदि इस दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा गोवर्धन त्यौहार के अंदर हम जब अन्नपूर्णा माता को प्रतिष्ठित करते हैं, प्राण प्रतिष्ठित जब वो हो जाती हैं, तो निश्चित रूप से हमारे घर में, हमारे जीवन में और हमारे जीविका जीवन जीने के लिए जो अन्न का हम अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल शुद्ध और पवित्र अन्न हमारे जीवन में प्राप्त होता है और हम उसे खा करके चिरकाल अपने जीवन को संरक्षित, यानी दीर्घ काल तक हम अपने जीवन को संरक्षित रखते हैं, तमाम तरह की बीमारियों से, बाधाओं से, कठिनाइयों से मुक्त करते हैं। और यदि इस दिन वैदिक पद्धति से भगवान कृष्ण का, गोवर्धन पर्वत का, गौ माता का, अन्नपूर्णा का, सभी का विधि विधान से एक समय मुहूर्त के हिसाब से जब आप इनकी पूजा प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और भगवान कृष्ण की प्रसन्नता कृपा हमारे जीवन में जब बनती है, तो निश्चित रूप से बड़ा कष्ट, बड़े से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ी कठिनाई जो होती है वो अपने आप गायब हो जाती है। उसके लिए आपको कोई आपको एंटीबायोटिक दवा या कोई उसके लिए मेडिसिन लेने की आपको किसी भी तरह कोई ज़रूरत नहीं होती है। और इस वजह से भी मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और इस त्यौहार के अंदर हम जब विधि विधान से हम इन विधियों को पूरी कंप्लीट कर देते हैं तो निश्चित रूप से
हमारे जीवन में इन सभी देवी देवताओं की कृपा बन जाती है और हमारा जीवन अपने आप में धन्य हो जाता है। हमारा परिवार, हमारा संपूर्ण समाज, हम एक जगह जब भगवान कृष्ण की और गोवर्धन की पूजन करते हैं तो उस पूरे इलाके में एक शुद्धिकरण हो जाती है, अन्न में शुद्धता आ जाता है और शुद्ध अन्न का, अन्नपूर्णा माता का वहाँ पर विराजमान हो जाती हैं, प्रतिष्ठित हो जाती हैं और गौ माता के माध्यम से जो भी हमें अमृत की प्राप्ति होती है वो अमृत हमें एक नई अमरता को प्रदान करती है। इस सभी विधियों का हमारे जीवन में एक विशेष महत्व बन जाता है और इसीलिए हम इस त्यौहार को विशेष उपयोगी त्यौहार मानते हैं और जीवन में महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में हम इसे मनाते हैं। आचार्य जी, एक बात और देखी जाती है कि जब दीपावली के त्यौहार की शुरुआत होती है तो पंच दिवसीय त्यौहार इसे कहा जाता है और कार्तिक मास के 13वें दिन यानी कि धनतेरस से इसकी शुरुआत होती है और सीधा यहाँ पर भैया दूज के दिन ये खत्म होता है। चौथा दिन हमने यहाँ पर रखा है गोवर्धन के लिए। तो ऐसा क्यों दीपावली को ही एक स्पेशल, एक इस तरह से आसपास के सारे त्यौहार एक ही जगह पर आना, मतलब क्या इसकी वजह है, क्या इसका महत्व है कि सारे त्यौहार समय अनुसार 5 दिन में लगातार पड़ते हैं? जी दर्शकों, देखिए भगवान कृष्ण ने जब विराट रूप धारण किया तो उन्होंने बताया कि मैं महीनों में कार्तिक मास हूँ। कार्तिक मास का अन्य मासों की अपेक्षा एक बेहतर महत्व माना जाता है। संपूर्ण कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करने का एक विशेष फल बताया गया है। भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है, लक्ष्मी माता की प्रसन्नता मिलती है, तुलसी के पूजन से बड़ा कष्ट का निवारण हो जाता है। आपके घर में यदि कोई विशेष परेशानी है, कठिनाई है और यदि तुलसी की पूजन आपके घर में पूरे कार्तिक मास में प्रातःकाल स्नान करके की जाए, एक दीप अर्पित किया जाए तुलसी को, तो निश्चित रूप से उस तुलसी की माता तुलसी की प्रसन्नता से आपके घर के अंदर जो भी कठिनाई होती है उसका निवारण हो जाता है। धन त्रयोदशी यानी धन त्रयोदशी से हम पंचदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हमारे जीवन में होता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का अवतार हुआ, उन्होंने अपने उनके हाथ में अमृत का कलश था, यानी उस अमृत के माध्यम से हमें अमरत्व प्राप्त होता है, दीर्घकालीन जीवन हमें प्राप्त हो जाती है। हमारे जीवन में जो यातनाएं होती हैं, जो कष्ट हमें मिलती हैं, उन कष्टों का निराकरण हम रूप चतुर्दशी या यम चतुर्दशी कहते हैं, त्रयोदशी के अगले दिन, उस दिन यमराज को दीप दान दिया जाता है। घर के बुजुर्ग जो सदस्य होते हैं वो अपने घर में दीप प्रज्वलित करके संपूर्ण घर के को घुमा करके लेकर के उसे द्वार पर, मुख्य द्वार पर दोनों तरफ यमराज की प्रसन्नता के लिए दीप दान करते हैं और जब यम प्रसन्न होते हैं तो हमें तमाम यातनाओं से, हमारे जीवन के तमाम कष्टों का निराकरण कर देते हैं और उसके बाद जब हम निर्दोष हो जाते हैं, सभी प्रकार के कष्टों का निराकरण कर लेते हैं, तो फिर अमावस्या तिथि आती है जहाँ पर हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को, विघ्नों के विनाशक भगवान गणेश और धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, पूजन करते हैं और उसके दिन, अगले दिन गोवर्धन पूजन के माध्यम से भगवान कृष्ण, माँ गौ माता और अन्नपूर्णा माता, इन सभी देवी देवताओं की हम पूजन करते हैं और उसके बाद भैया दूज का जो त्यौहार होता है उस दिन भाई बहन, बहन खासकर भाई को अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर खाना पकवान बनाती है, तिलक करती है और अपने भाई को भोजन कराती है और उस भोजन के माध्यम से वो एक संकेत मात्र होता है कि जब आप भोजन कराते हैं तो वो भोजन के अंदर अमृत तत्व होता है जिसे वो खा करके ताकतवर रहता है और सभी प्रकार के कष्टों से, कठिनाइयों से वो मुक्त होता है और वो जब ताकतवर रहेगा तो वो अपनी बहन का, बहन के परिवार का संपूर्ण रूप से वो केयर करेगा, रक्षा कर पाएगा और इस तरह से हम अपने जीवन को एक नई समृद्धि इन पंचदिवसीय कार्यक्रमों के माध्यम से, पंचदिवसीय त्यौहार के माध्यम से हम एक अपने संपूर्ण जीवन और संपूर्ण परिवार, समाज, व्यापार, अर्थव्यवस्था, सभी चीज़ों को हम नियंत्रित करते हैं और इसी वजह से ये पंचदिवसीय कार्यक्रम हमारे जीवन के महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन पंचदिवसीय त्यौहारों का हर कोई अपने अपने तरीके से पूर्ण स्वागत करता है, इसे सहर्ष स्वीकार करता है। कहीं भी इन त्यौहारों का आपको किसी भी तरह से कोई भी विरोधाभास
कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये हर किसी व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और इनका महत्व हर किसी को मानना ही होगा, ना मानने की कोई वजह नहीं हो सकती है। ये हमारे जीवन को मंगलकारी मंगलमय बनाते हैं, समृद्धशाली बनाते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में ये पाँच दिन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण बन जाते हैं। बिल्कुल, ये पाँच दिन हमारे जीवन के महत्वपूर्ण दिन है। लेकिन आचार्य जी, यहाँ पर एक चीज़ और देखी जाती है कि अक्सर हिंदू धर्म में जब भी कोई त्यौहार आता है, जैसे नवरात्र आते हैं या फिर नया साल आता है, साल बदलता है, दूसरा साल आता है, तो हमारी राशियों में बदलाव देखा जाता है और ये कहा जाता है कि इस राशि के लिए जो ये वाला त्यौहार है, इसके बाद से ये चीज़ अच्छी हो जाएगी, ये चीज़ शुभ हो जाएगी या इसमें थोड़ा सा फॉल डाउन जाएगा। अगर दीपावली के पंचदिवसीय त्यौहार की बात करें तो इसके बाद कौन सी राशि में सबसे ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे या कौन सी राशि के लिए सबसे ज्यादा अच्छा समय आएगा? जी दर्शकों, देखिए, जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर राशियों का वर्णन किया जाता है, दरअसल जब सूर्य ग्रह तुला राशि में जाते हैं, कार्तिक मास में या दीपावली के समय सूर्य ग्रह तुला राशि में जाते हैं और जब तुला राशि के अंदर सूर्य ग्रह होते हैं तो इनकी जो दृष्टि होती है उच्च दृष्टि मेष राशि के अंदर पड़ती है। अब तुला राशि के अंदर जाने का मतलब होता है कि सूर्य अपने पूरे एक साल के अंदर जो निचला स्तर होता है, सबसे कमजोर क्षीण सूर्य कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य की जो ताकत है, जो ऊर्जा है या जो रोशनी होती है ना, वो रोशनी भी मध्यम हो जाती है। सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन होते हुए चले जाते हैं और तुला राशि में जब जाते हैं तो वो बिल्कुल दक्षिणायन हो जाते हैं। सूर्य का जो दिनमान समय होता है वो धीरे 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 संकुचित हो जाता है, छोटा हो जाता है और रात्रि मान जो है वो बढ़ जाता है। और तुला राशि के जो स्वामी ग्रह हैं शुक्र, वो बलवान होते हैं। शुक्र जब बलवान होंगे तो निश्चित रूप से शुक्र का हमारे जीवन में भौतिकता, समृद्धि, लग्जरी लाइफ, इन चीज़ों से शुक्र का सीधा संबंध होता है। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता, माता लक्ष्मी की कृपा, शुक्र के अधिष्ठात्री जो देवी मानी जाती हैं वो लक्ष्मी माता मानी जाती हैं। लग्जरी की जो हमारे जीवन में उपयोगिता है वो शुक्र ग्रह की एक प्रधानता कह सकते हैं कि बनता है। जब भौतिकता का बढ़ावा होता है, शुक्र तुला राशि के स्वामी होने के कारण से शुक्र के अंदर जितनी ताकत आती है, जितनी पावर आ जाती है, उतनी ही हम अपने जीवन में समृद्धि को प्राप्त कर पाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार तुला राशि में जब सूर्य ग्रह जाते हैं, सूर्य के कमजोर या निर्बल हो जाने के कारण से शादी विवाह मांगलिक जो कार्य होते हैं उन कार्यों में एक रुकावट आ जाता है और कई बार इस समय के अंदर तारा भी अस्त होता है, यानी शुक्रास्त का भी एक दोष बन जाता है। तो ये एक समय होता है, ये कार्तिक मास से लेकर के पौष मास तक, यानी ये दो तीन महीने का ऐसा टाइम होता है, ये साधना काल टाइम माने जाते हैं। इन टाइमों में आप अपने आराध्य देव को, इष्ट देव को, माता लक्ष्मी को, गणेश को प्रसन्न करने की जो भी विधियाँ हैं उन विधियों को आप स्वीकार कर सकते हैं और भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का एक ये समय माना जाता है। इसी वजह से दीपावली का जो पर्व होता है वो कार्तिक मास में होता है और कार्तिक मास में एक आराध्य मास माना जाता है। इस मास के अंदर प्रातःकाल जग करके स्नान करने का महत्व होता है, कार्तिक स्नान का महत्व होता है, दीपदान का महत्व होता है, माता तुलसी माता की पूजन का महत्व होता है और इसके बाद मार्ग शीर्ष मास आता है और इसके बाद पौष मास आता है जिसे खर मास के रूप में कहा जाता है, जहाँ पर मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं लेकिन अपने आराध्य देवी देवताओं का, अपने इष्ट देवता का, अपने साधना को प्रखर करने का एक महत्वपूर्ण समय माना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि, इन तीन राशियों पर जब सूर्य ग्रह विराजमान होते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इन समयों के अंदर हमें अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने के लिए जो भी हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो जप करें, यज्ञ करें, हवन करें, जो भी हम करते हैं वो हमारे लिए शीघ्रात शीघ्र हमारे जीवन के अंदर एक नई ऊर्जा को प्राप्त करने का एक मुहूर्त इसे मान सकते हैं। और फिर जैसे ही मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर के बाद सभी प्रकार की जो मुहूर्त होता है वो उदित हो जाते हैं, सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है, मंगल कार्य होने लगते हैं, शादी विवाह जो भी तिथियां मुहूर्त होते हैं वो मुहूर्त हमारे जीवन में कंप्लीट हो जाते हैं।
तो राशियों के अकॉर्डिंग यदि कहा जाएगा तो सूर्य का तुला राशि में जाना ही एक महत्वपूर्ण समय होता है। सूर्य जब निर्बल होता है, कहते हैं कि जब हमारे घर का कोई भी सदस्य कमजोर होता है तो सभी लोग लग जाते हैं उसकी सेवा में, क्योंकि वो कमजोर हो रहा है और उसको ताकतवर बनाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये समय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मैं मानता हूँ कि सूर्य की उपासना आराधना ही तुला राशि में जाने के बाद हमें करना चाहिए। भगवान विष्णु की, इष्ट देव की, सभी की, जब देवी देवताओं की हम पूजन करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम अपने सभी नवग्रहों को एक नई ऊर्जा ताकत दे देते हैं और हम अपने जीवन को मंगलमय बना पाते हैं। जी बिल्कुल, अब शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। बड़ी देर से हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि गोवर्धन की पूजा कौन से शुभ मुहूर्त में करना सबसे ज्यादा फलदायी होगा। दर्शकों, 28 अक्टूबर 2019 सोमवार का दिन है। 15:24 से 17:15 तक, यानी 3 बजे दोपहर से लेकर के 3:24 से लेकर के 5:15 तक, यानी 5:15 तक दिन के अंदर सर्वोपरि मुहूर्त है गोवर्धन पूजन का, दीप दान का और गौ माता की पूजन का, अन्नपूर्णा माता के प्राण प्रतिष्ठा का। ये सभी मुहूर्त, ये सभी पूजन जो होगा वो आपका ये समय होगा। इस समय के अंदर ही सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त विदित है और इस समय यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये पूजा आपका संपूर्ण होगा और आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होंगे। भगवान कृष्ण को आप, उनसे संबंधित जो भोग होता है उसमें केसर का जरूर प्रयोग करें। केसर को जब भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं तो घर में, घर के अंदर माता लक्ष्मी की प्रसन्नता कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान कृष्ण के आप कृपा पात्र बनते हैं यदि सही मुहूर्त में भगवान कृष्ण की आप अपने घर के अंदर पूजन करते हैं, गोवर्धन की पूजन करते हैं, तो उससे आपका जीवन मंगलमय हो जाता है। बिल्कुल दर्शकों, आपका जीवन मंगलमय ज़रूर होगा अगर आप अपना पूजा पाठ बिल्कुल वैसे ही करेंगे विधि पूर्वक, जैसे कि आपको बताया गया है। शुभ मुहूर्त भी आपको बता दिया गया है तो हम आशा करते हैं कि आप इन त्योहारों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे और आपके जीवन में भी उसी तरह हर्षोल्लास रहेगा, खुशी रहेगी, उमंग रहेगी। और साथ ही दर्शकों, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, गोवर्धन पूजा की बधाई आपको इस दिन की। आचार्य जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंचदिवसीय त्यौहार का आप सभी के जीवन में मंगलमय, शुभकामना हमारी तरफ से। जय माता दी। बिल्कुल दर्शकों, हमारी तरफ से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।